जी क्लास आर यू देयर बेटा, आवाज आ रही है क्लियर? स्टार्ट करें फिर हम लोग, बताओ मुझे क्लास रिस्पांस दो। कौन कौन प्रेजेंट है? सानिया है, मजहर है, चलो ओके। अच्छा बेटा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम डेंटिन में, क्योंकि आज हमने चैप्टर फिनिश करना है, आज हमने पल्प करना है। आपको अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स खोली होंगी तो पता चल भी गया होगा कि पल्प बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है? पल्प छोटा सा टॉपिक है, इजी सा, डेंटिन एंड एनामल की कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। आपको मैंने इसको क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले ही इसके बता दिए थे क्या है कि क्वेश्चंस कौन कौन से पल्प के आते होते हैं, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेल्स आ जाती हैं, ऐसी कोई मिनरलाइजेशन कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है। पल्प क्या चीज़ है अब आप देखोगे, पल्प क्या है? पल्प सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है, डायरोपपाइज पल्प कैविटी इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है? ये डायग्राम जो टूथ की बनी हुई है मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की हुई है, इसमें इस टाइम पे आपने फोकस किस पे करना है? डेंटिन के अंदर। ये थ्रू आउट एक पल्प चैम्बर है, पल्प चैम्बर के अंदर पल्प, ठीक, पल्प केनाल, पल्प चैम्बर, देन पल्प केनाल के अंदर पल्प, एंड पल्प के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स। इस पर आपने अभी फोकस करना है। एंड उसके अलावा बेटा आप अभी ये देखो कि एक सेकेंड, फायजा, आज फायजा वेलकम टू D19 बेटा। हमने आज से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, 8 बल्कि ख़त्म कर रहे हैं, डेंटिन हमने कवर करा दिया, और आज हमारा टॉपिक है पल्प, ठीक है? पल्प आप सबको आइडिया है कि पल्प क्या है, सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है, डेंटिन और इनामल और सीमेंटम एंड बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, पल्प सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये कहाँ से बनता है? डेंटल पैपिला से। जिन बच्चों ने, जो आप लोग नए हो ना, परेशानी की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होगा आप लोग प्लीज़ फ्री टाइम पे मेरे ऑफिस में आके सब अपनी सब दोबारा से मुझसे पढ़ लेना, कोई इतनी टेंशन नहीं है। अभी जहाँ से हम ज्वाइन किया आप लोगों ने वहाँ से समझना शुरू कर दो, ठीक है? अच्छा अब क्या है, सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होगा? पल्प कैविटी में होगा। पल्प कैविटी कहाँ पे होती है? डेंटिन के अंदर, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टीथ में, क्राउन एंड रूट दोनों में। पल्प जो होती है उसके अंदर क्या क्या होगा? नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू होगी, और रूट में भी हो, क्राउन में भी होगी। और जो रूट किनारे है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर दिए? फ्रॉम टिप टिप ऑफ द टूथ से पल्प चैम्बर में। चलो ठीक है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग लेक्चर कुछ भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन SMS यहाँ कर दिया करो, क्योंकि आप लोग अनम्यूट म्यूट होते हो, और मैं एंड में आप लोगों को 5-10 मिनट्स के लिए अनम्यूट करवाती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो। अच्छा बेटा पल्प का आइडिया हो गया, पल्प क्या है, अब आपने जोन्स पढ़ने हैं। पल्प के जोन्स कौन कौन से होंगे? 4 जोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर आते हैं। ऑडोनोब्लास्टिक जोन है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सेल फ्री जोन ऑफ व्हील, नंबर 3 पे सेल्विज जोन, एंड नंबर 4 पे पल्प को। अब जो ओडोंटोब्लास्टिक जोन है ये कहाँ पे होगा? आपको नाम से आइडिया हो रहा है कि इसमें ओडोंटोब्लास्ट है। ओडोंटोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं जो पल्प बनाएंगे, जो डेंटिन बनाएंगे? कहाँ से इनका ओरिजिन है? डेंटल पैपिला से। मेसेंकाइमल ओरिजिन इनका डेंटल पैपिला के सेल्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट हुए, एंड अनआइडेंटिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स से डेंटल पैपिला के ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट, अपने आप इन्होंने शिफ्ट किया। ओडोंटोब्लास्ट में बनने के बाद इन्होंने पल्प बनाई और इन्होंने डेंटिन बनाई। तो जो जोन सबसे पहला जोन जो है ना डेंटल पल्प का जो पहला जोन है वो कौन सा? ओडोंटोब्लास्टिक जोन है। ये कहाँ पे होगा? पल्प पेरिफ्री पे होगा। पेरिफ्री पल्प की कहाँ पे आप समझ लोगे? पेरिफ्री इसकी समझ लो आपके टुवर्ड्स डेंटिन, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखोगे सेकेंड जोन कहाँ है? सेल फ्री जोन ऑफ वेल है, प्रोमिनेंट एंड कॉर्नल पल्प में, क्राउन में होगा। क्राउन में जो पल्प आती है उसमें प्रोमिनेंट होगा कॉर्नल पल्प। बट जो सेल फ्री जोन है ना ये डेवलपिंग टीथ में नहीं होता। ये किन टीथ में होता है? जो डेवलप हो चुके होते हैं। प्रोमिनेंट कौन से टीथ में होते हैं? कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट तो होते हैं लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपिंग टूथ जो दांत बन रहे हैं उसमें ये नहीं होता प्रोमिनेंट इतना। और जब दांत बन जाता है, डेवलपमेंट कम्प्लीट हो जाते हैं, फिर ये कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट होते हैं। अब सेल विच जोन से आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इस जोन में ढेर सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल डेंसिटी हाई है, तो सेल विद जोन कहाँ पे होगा? सेल विद जोन होगा इमिजिएटली अंडर द सेल फ्री जोन एंड कंटेन्स न्यूमरस, कौन कौन से सेल्स आएंगे इसमें? फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, कैपिलरीज हैं। और कैपिलरीज कहाँ से अराइज होती हैं? आर्टेरियोल्स से, ठीक है, और डीपर होती है पल्प में, बट कॉमनली फाउंड इन थ्रू एडजेसेंट और इवन विद इन द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर,
ठीक है, अब पल्प को फोर जोन है, फोर जोन जो पल्प कोर है इसमें क्या होगा, मेजर वेसल्स एंड नर्व्स होंगी, प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का बना लेते हैं, प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू या एनसीक्यू आता होता 1.5 मार्क्स या 2, क्योंकि 3 मार्क्स में ये नहीं आता होता, 3 मार्क्स के एससीक्यू में दो पार्ट्स करके वो 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स में दे देते हैं प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का, ठीक है। एंड जो मेजर है अब प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का इक्वेशन में क्या होता है कि नर्व फाइबर एक्सटेंड्स अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द डेंटल ट्यूब्स विद इन द ओडोन्टोब्लास्ट प्रोसेस, और पेन जो है वो ओनली सेंसेशन है जो पल्प से जाती है कॉन्शियस लेवल तक, ठीक है। पेन किस कौन डिटेक्ट करता है, पल्प, पेन की सेंसेशन किसने डिटेक्ट की, पल्प ने की, कहाँ से की, जो ब्लड के अंदर पल्प कोर का में मेजर वेसल्स है नर्व्स हैं जहाँ पे ये वेसल्स प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का बना देते हैं, प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का आप समझ लो कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती हैं नर्व्स, और उसका नाम प्लेक्सस ऑफ फ्रेश्का है, ठीक है। आप लोग ऐसा क्या करो, जब पढ़ते हो तो साथ एक बुक अपनी जरूर पेन किट खोला करो, ठीक है। अभी जोन्स क्लियर हुए, नंबर वन और सबऑर्डोनोप्लास्टिक जोन जिसमें ऑर्डोनोब्लास्ट है, कहाँ पे सेल्फ की सेल पल्प की पेरिफेरी, नंबर टू सेल्फी जोन ऑफ वेल डेवलपिंग में नहीं होगा, डेवलप में होते हैं कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट होते हैं, सेल विद जोन जिसमें सेल डेंसिटी हाई होगी, सेल्स मैंने बता दिए कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सेल्स इसमें आ जाएंगे, सेल्स विद जोन में जी आ जाएंगे आपके ऑडोन्टोब्लास्ट आ जाएगा, आपका फाइब्रोब्लास्ट आ जाएगा, इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, देन आपका और भी कुछ सेल्स आते हैं, मैं आपको साथ साथ नेक्स्ट कराती हूँ उसको, एंड फिर नर्व्स एंड वेसल्स आ गई, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अब जी नुमा नेक्रोमीजन कैमल क्या पूछ रहे हो, आप बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो, चलो ठीक है भाई, एक्टोमीजन कैमल रीजन है, ठीक है, खुश सारे। अच्छा अभी आप देखो बेटा, अगर जब ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें आप देखो कि सबसे पहले आपका पहला जोन कहाँ पे है, ओडोन्टोब्लास्ट जोन, इसकी लोकेशन आप देखोगे, अगर शहीर बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अच्छा ओडोन्टोब्लास्ट जोन के बेटा आप सब ये लोकेशन देख लो कहाँ पे है, पल्प की पेरिफेरी पे सबसे पहले ही आपको नजर आ रहा है ओडोन्टोब्लास्ट जोन है, देन सेल्फी जोन है, सेल्विज जोन है, एंड आर्ट्रियोल्स वाला जोन है। अच्छा प्रीडेंटीन, प्रीडेंटीन ये अब हमने इस वाले एरिया को जूम किया है, अगर हमने इस एरिया को जूम करके देखा है तो ये हमने डायग्राम देखी जो जिसके नंबर डी है, ठीक है। इसमें आप पहले ये तो देख लो कि ये जो पर्पल कलर के पिंक न्यूक्लियस वाले हैं ये क्या है, ओडोन्टोब्लास्ट हैं। ओडोन्टोब्लास्ट के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेल बॉडी होती है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है उसका नाम होता है, और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का नाम होता है टॉम्स फाइबर, ठीक है। अब इनके अंदर ये होते हैं, आप बॉटल शेप समझ लो सेल्स की, जैसा नीचे पत्ती बॉटल होती है पर लंबा सा उसका बना होता है पार्ट ऊपर वाला, उस तरह ही ओडोन्टोब्लास्ट को समझो। इसके दरमियान में जो डार्क कलर की चीज़ है ये प्रीडेंटीन है, मैंने पहले बताया था, तब तक आप सबको याद होना चाहिए कि प्रीडेंटीन पहले बनती है देन डेंटीन बनेगी। प्रीडेंटीन कहाँ पे बनेगी, मिनरलाइजेशन फ्रंट पे, और अनमिनरलाइज्ड होगी, 50 माइक्रोमीटर की थिकनेस होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया ना ओडोन्टोब्लास्ट जोन, ये सेल्फ पेरिफेरी, अब नेक्स्ट जोन का आगे सेल्फी जोन, सेल्फी जोन में देख लो कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। थर्ड जोन कौन सा है, सेल विद जोन, सेल विद जोन में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, एंड देन कौन सा जोन आ जाता है आपका, हमारा आ जाता है पल्प कोर, पल्प कोर में कौन सा था, पल्प कोर में क्या होगा, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, पार्शियल पेरिटल लेयर है, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, इसके अलावा नर्व ट्रंक है, और आर्टरीज वेन्स सब कुछ आपको मिल जाएगा इस जोन में, ठीक है। और ये ऊपर डेंटल ट्यूब्स तक जाती है नर्व्स। अच्छा अब आप यही देख लो, वो ही डायग्राम है लेकिन डिफरेंट तरह इसमें बताया हुआ है। अब ये देखो, ये जो ये ओडोन्टोब्लास्ट है, पूरा एक ओडोन्टोब्लास्ट है, ये वाला पार्ट जो वाइट पार्ट है इसका खुला चौड़े वाला हिस्सा, ये सेल बॉडी है, ठीक है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। मैं आपको पहले बताया था कि जो डेवलपिंग ओडोन्टोब्लास्ट है, जो इनिशियली क्या होते हैं जब एक्टिव हुए थे तब उनके बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, बाद में सिर्फ एक रह जाता है, जो एक रह जाता है उसका नाम टॉम्स फाइबर होता है। अब जो ये चीज है ना, ये बेटा ये प्री डेंटीन है, जब इसकी मिनरलाइजेशन हो जाएगी तो ये डेंटीन में बन जाएगी, ठीक है। और नर्व एंडिंग्स हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, ओडोन्टोब्लास्ट के दरमियान से भी गुजरती हैं, देन
ऑरोंटोब्लास्ट के अलावा इनके न्यूक्लियस आपने देख लिया है. अब क्या है, सेल फ्री जोन, अगेन इसमें कोई सेल नहीं, सेल रिच जोन एंड देन प्लक्सिस जोन. अब जो सब ऑरोंटोब्लास्ट के पैसेज ऑफ नर्व्स एंड कैपिलरीज हैं उसमें ये दोनों जोन उन्होंने कवर कर दिए हैं. ऑरोंटोब्लास्ट ही है, सेल फ्री है, सेल रिच है एंड प्लक्सिस ऑफ रश्का. अच्छा अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में. इसमें कौन कौन से पल्प में सेल्स हैं? नंबर वन पे ऑडोंटोब्लास्ट है जो सबसे एक्टिव है. नंबर टू पे फाइब्रोब्लास्ट है. फाइब्रोब्लास्ट का क्या, अभी पहले आप इनकी एक दफा डायग्राम देख लो, डिस्क्रिप्शन हम आगे इनकी पढ़ लेते हैं. ऑडोंटोब्लास्ट में आपको, अगर ऑडोंटोब्लास्ट आप देखो तो ये ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है पिंक वाले, ब्लू डेंटीन है, व्हाइट प्री डेंटीन है, डेंटिनो इनामल बॉर्डर है ये, और इस साइड पर इनामल होगा. ठीक है, आर्टीरियोल्स, वेन्स एंड देन फाइब्रोब्लास्ट एंड सेल फ्री जोन, वो सब हो गया. अब तक आपको ये जोन्स क्लियर होने चाहिए. एंड देन फाइब्रोब्लास्ट, नेक्स्ट सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं ऑडोंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, देन कौन से सेल्स होंगे? मैक्रोफेजेस अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ऑडोंटोब्लास्ट में क्या क्या आज है. अब हम ऑडोंटोब्लास्ट से स्टार्ट करते हैं. अच्छा पल्प में देखो सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज उन सब में क्या क्या होते हैं, उन सब में ऑडोंटोब्लास्ट में उन सब में ग्राउंड सब्सटेंस होगा, प्रोटियोग्लाइकन्स होगा, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स भी हो जाएगा, फाइबर्स भी हो जाएंगे, कोलेजन भी हो जाएगा. डिफरेंट इसमें क्या आएगा पल्प के कनेक्टिव टिश्यू में और किसी और सॉफ्ट टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू में, और जो मेन डिफरेंस आएगा उसमें, एक तो उसमें ऑडोंटोब्लास्ट नहीं होगा जो इनमें ऑडोंटोब्लास्ट है. नंबर टू, टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस नहीं होते, इसमें मैक्रोफेजेस भी हैं. ठीक है, अच्छा अब हम ऑडोंटोब्लास्ट को देख लेते हैं बेटा. ऑडोंटोब्लास्ट में क्या है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव सेल है. सेल बॉडीज कहाँ पे होती है, इसकी पेरिफेरी ऑफ द पल्प पे, और देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस लाई इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, आपको पता है ना डेंटिनल ट्यूब्यूल्स क्या होती थी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हॉलो ट्यूब्स थी जिनके अंदर से ऑडोंटोब्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस गुजरता था, साथ नर्व्स या फ्लूइड अंदर होता. ऑडोंटोब्लास्ट की क्या है, ये प्री डेंटिन, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ऑडोंटोब्लास्ट लेयर. सबसे पहले पेरिफेरी के सेल्स अपने आप को ऑडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट करते हैं. ठीक है, अब ऑडोंटोब्लास्ट की शेप एंड साइज कैसे है. जो कॉर्नल पल्प में है उनकी शेप कॉलमनर, जो मिड पोर्शन ऑफ पल्प में है वो क्यूबॉइडल, एंड एपिकल पार्ट ऑफ द पल्प, एपिकल पार्ट ऑफ द पल्प कौन सा, वो रूट का एपिकल पार्ट, वो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लैटेंड हो जाते हैं. और जो है इसका डायमीटर ऑडोंटोब्लास्ट का कितना है, 5 to 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है एंड 20 to 40 माइक्रोमीटर इन लेंथ है. ये ऑडोंटोब्लास्ट की पिक्चर, एक इंडिविजुअल ऑडोंटोब्लास्ट की पिक्चर है. आपको इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, रफ एंडोप्लास्ट में रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लास्ट में रेटिकुलम, गॉल्जी नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, देन प्री डेंटिन एंड डेंटिन नजर आ रही है. ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें 2-3 ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है जो बाद में सिर्फ एक रह जाता है. ठीक है, और फॉर न्यू कमर्स बेटा डेंटिन और प्री डेंटिन क्या होते हैं, जब डेंटिन बनना शुरू होती है, मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है डेंटिन की, तो वो पहले प्री डेंटिन होती है जो इनिशियल मैट्रिक्स डिपॉजिट होता है, उसके बाद जब वो 50 माइक्रोमीटर थिक तक चली जाती है फिर उसकी मिनरलाइजेशन उस मैट्रिक्स से स्टार्ट हो जाती है, तो वो डेंटिन बन जाती है. ठीक है, और ऑडोंटोब्लास्ट का लाइफ साइकिल ये एक्टिव सिंथेटिक स्टेज है, क्यूसेंट स्टेज है. ये जो एक्टिव, अच्छा इस डायग्राम में ये जो ब्लू वाले हैं ये कौन से सेल्स हैं पता है कुछ क्लास, रिस्पॉन्स तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ ये सेल्स कौन से, मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको, जल्दी बताओ, आप बताओगे तो हम चलेंगे. डॉक्टर गुलकर ने वैसे भी कहे कि ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने बार बार क्वेश्चंस करने हैं और बार बार इनको अनम्यूट करना है, और अब सब गायब हो गए जब मैंने पूछा था. नुमान शहीद, हिरा किधर हो, ओह किसी ने रिप्लाई किया, चलो. एपिथेलियल उफल्ला नुमान, ये एपिथेलियल सेल्स नहीं है शहीद. बेटा मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट नहीं करती, ब्लू वाले सेल्स अमीलोब्लास्ट थे, लास्ट टाइम मैंने कवर कराया था, मैंने डेंटिन में भी बहुत दफा ये डायग्राम कवर कराई थी, मैंने इसलिए पूछा है. चलो आप लोगों ने एटलीस्ट मुझे बताया ये एपिथेलियल सेल्स नहीं है, ये कौन से हैं, ये इनको, हाँ अच्छा एपिथेलियल सेल्स इसलिए कह रहे हो कि इनके ऊपर लिखा हुआ है, ये अमीलोब्लास्ट हैं. ठीक है, क्यूबॉइडल, शॉर्ट कोलमनर, देन टॉल कोलमनर, ये अमीलोब्लास्ट हैं. ये पिंक कलर की चीज बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एक्टिव मेसेनकाइमल सेल्स, इनकी माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएटेड होगी ऑडोंटोब्लास्ट में और रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड. ठीक है, अच्छा बेटा निशान फोकस करो इस पे लेक्चर पे. अच्छा अब समझ याद रहेगी, हमेशा याद रखने के ऊपर वाले अमीलोब्लास्ट, नीचे वाले ऑडोंटोब्लास्ट है. अब ये देखो अगर आप इस
को देखो, ये थर्ड डायग्राम को देखो, तो इसमें ये ऊपर वाले तो डिफरेंशिएट हो गए और ऑटोब्लास्ट में नीचे वाले अनडिफरेंशिएटेड रहे. क्यों? क्योंकि जब ये सिग्नल्स अमीलोब्लास्ट से आता है, एनएन एनएमएल एपिथेलियम के सेल से आता है सिग्नल, तो जो सबसे पहले पेरिफेरी के सेल्स थे वो ऑटोब्लास्ट में शिफ्ट होंगे, दूसरे अभी नहीं होंगे. देखें, ये अनडिफरेंशिएटेड है एंड ये ऑटोब्लास्ट में शिफ्ट हुए हैं. ये इनके बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं. चलो जी, नेक्स्ट पे चले हम. ओके, एक्टिव ऑटोब्लास्ट कैसे होंगे, नंबर वन पे आप इसके. अच्छा, अब तक आप सबको पता होना चाहिए एक्टिव सेल कैसा होते हैं. एक्टिव सेल, पोलराइज सेल का जब मैं नाम लेती हूँ, टर्म यूज करती हूँ पोलराइज सेल, तो पोलराइज सेल से क्या मतलब है? पोलराइज सेल एक्टिव सेल है या रेस्टिंग सेल है? ठीक है, पता है सबको. पोलराइज सेल एक्टिव सेल होते हैं. चार्ज सेल का नाम भी इसके लिए टर्म, चार्ज सेल भी टर्म यूज कर लेते हैं. इसमें क्या होते हैं, सेल एक्टिव फेज में चला जाते हैं, ऑर्गेनाइल्स एक्टिव हो जाते हैं, जो सिंथेटिक अपरेटस सेल का होता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनके एक तो ये एक्टिव हो जाएंगी, प्लस इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए ऑर्गेनाइल्स का, क्योंकि इन्होंने अब काम करने रैपिडली सिंथेसिस करनी है प्रोटीन्स की. ठीक है, एमआरएनए एक्टिव हो जाएगा, तो ये सब एक्टिव हो जाएंगे. और साथ जो ऑर्गेनाइल्स प्रॉक्सिमली पड़ी थी वो डिस्टली चली जाती है, जो डिस्टली पड़ी थी वो प्रॉक्सिमली चली जाती है. ठीक है, तो एक्टिव ऑटोब्लास्ट की शेप अगर हम देखें कैसी थी, कॉलमनर, न्यूक्लियर कैसा था, बेसल पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में क्या है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, जो किस चीज में रिच है, एंड्रोफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गॉल्जी में, अबंडेंट माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एपिकल पार्ट ऑफ द सेल में. ठीक है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, इसको आप देख लो, न्यूक्लियस है, स्मूथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हो गए. अब ट्रांजिशनल स्टेज आती है, ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होगा, ना तो ये एक्टिव है ना ये रेस्टिंग स्टेज है. ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी होगी, उसमें क्या होगा, नैरो सेल होगा, न्यूक्लियस डिस्प्लेस फ्रॉम द बेसल लैमिना एक्सट्रीमिटी, नंबर जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटोफेरिक विक्यूल. एटोफेजिक विक्यूल्स का क्या होता है, तो उसने आप जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी थी उन सबको खा जाना है. अब रेस्टिंग पे आ जाए, रेस्टिंग पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर सेल्स क्राउडेड टुगेदर, न्यूक्लियस मूव्स एपिकली, और इन द सुपर न्यूक्लियर रीजन अ लार्ज लिपिड फिल्ड विक्यूल इज प्रेजेंट हैविंग ट्यूबुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, रेस्टिंग में सेल ने दोबारा से छोटा हो जाना है, क्राउडेड हो जाना है, और न्यूक्लियस एपिकली चला जाएगा, और पहले बेसली पड़ा था, अब सुपर न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या, लार्ज लिपिड फिल्ड विक्यूल्स प्रेजेंट है, ट्यूबुलर फिलामेंट्स हैं. ये देखो, अगर आप एजिंग है, ये यंग था और ये ओल्ड है, एजिंग हो रही है. जब एजिंग होती है सेल की, तो सेल कैसे हो जाते हैं, सबसे पहले तो उसकी लेंथ शॉर्ट होती है. ठीक है, ये शॉर्ट है, ये टॉल है, देन ऑर्गेनाइल्स जो स्प्रेड थी वो कंजेस्टेड हो जाती है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सेंट्रली और ये कंजेस्टेड हो गई है. ठीक है, ऑटोब्लास्टिक प्रोसेसेस जिनका नाम टॉम्स फाइबर है वो क्या है, बिगिंस एट द नेक ऑफ द सेल और डिवाइड ऑफ मेजर सेल ऑर्गेनाइल्स. इसमें मेजर ऑर्गेनाइल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनाइल्स कहाँ पे होते हैं, सेल बॉडी में, और किस में रिच होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स में रिच होते हैं, पिनोसाइटोटिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सिक्रेटरी विक्यूल्स और फुली डिफरेंशिएटेड ऑटोब्लास्ट. ये एक फुल डेवलप ऑटोब्लास्ट है, ये आप देख लो, ये बार बार जब डायग्राम्स में दिखाती हूँ तो प्लीज बेटा इनको माइंड में बिठा लिया करो, क्योंकि ये आपने ड्रॉ करनी है. बिल्कुल सिंपल है, सेल बॉडी है, सेल वो है उसकी टॉम्स प्रोसेस से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो गया है, टॉम्स फाइबर हो गया, देन प्री डेंटीन, डेंटीन, सेल ऑर्गेनाइल्स, ये ड्रॉ करना कुछ मुश्किल नहीं है और जंक्शन बनाने हैं इसमें. ठीक है, सेल जंक्शन कौन कौन से हैं, पल्प के सेल्स में और ऑटोब्लास्ट में या बाकी सेल्स में भी कौन कौन से हैं, टाइट जंक्शन हैं, गैप जंक्शन हैं, डेस्मोसोम्स हैं, देन प्रेजेंट एट द सेल बॉडी, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ऑटोब्लास्ट, सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, फोकल जंक्शन जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑटोब्लास्ट प्रोसेस. फोकल जंक्शन कौन से हैं, टाइट जंक्शन ही हैं. ठीक है, फोकल जंक्शन जो है ना, टाइट जंक्शन वो क्या है, पैरेलल एंड टू द एक्सिस ऑफ द सेल्स एंड डेस्मोसोम्स आर साइड्स ऑफ सेल टू सेल एडिजन. ठीक है, सेल एक आपस में सेल की एक सेल की दूसरे सेल के साथ कौन सा जंक्शन है, एडिजन है, डेस्मोसोम्स हैं और वो कहाँ एडिजन है, और बिटवीन लेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ भी डेस्मोसोम्स ही हैं, और जो टाइट जंक्शन है वो पैरेलल है सेल के. ठीक है, क्लियर है बेटा. उसके अलावा जुनुलर टाइट जंक्शन होंगे और बस यही जंक्शन है. फाइब्रोब्लास्ट, अब हमने ऑडोंटोब्लास्ट पढ़ लिया. ऑडोंटोब्लास्ट में हमने क्या क्या कवर किया है, एक्टिव सेल था, ट्रांजिशनल स्टेट सेल था,
क्यूसेंट स्टेज का सेल था, ओल्ड सेल था, फिर हमने उसमें उसकी देखी कि उसका शेप क्या थी, ऑर्गेनालिस किस तरह डिफरेंट हुई, जंक्शंस कौन से थे ऑर्गेनोब्लास्ट में. अब नेक्स्ट सब कौन से, फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या चीज़ है? फाइब्रोब्लास्ट जो जी आप देखोगे अगर, तो क्या है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, सेल्स है प्रेजेंट होता है पल्प में. ड्यूअल फंक्शन है इसका फाइब्रोब्लास्ट. अच्छा, सबसे सबसे ज्यादा पल्प में कौन सा सेल है? फाइब्रोब्लास्ट. ऑर्गेनोब्लास्ट नहीं है, ऑर्गेनोब्लास्ट कम है, इसका नंबर फाइब्रोब्लास्ट से कम है. तो मोस्ट अबंडेंट सेल प्रेजेंट इन द पल्प. नंबर टू पे ड्यूअल फंक्शन. ड्यूअल फंक्शन क्या है कि सेम टाइम पे वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर्स को बना रहे, सिक्रीट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड सिक्रीट मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर्स, एंड सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स एज वेल. मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेम टाइम पे मैट्रिक्स बना रहे और उसको डिग्रेड कर देना, डिग्रेड करना तोड़ फोड़ देना, छोटा छोटा कर देना. मैं जो न्यू कमर्स है जिनका आई थिंक शायद आज फर्स्ट सेकेंड लेक्चर होगा, वो मैं उनको बता रही हूँ कि डिग्रेडेशन मीन्स छोटा छोटा तोड़ तोड़ देना. एक्टिव एक्टिव फ्यूसिफॉर्म सेल्स होंगे. एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट में क्या होता है, क्या शेप होती है? फ्यूसिफॉर्म सेल्स है, अबंडेंट ऑर्गेनेल्स है, एंड क्रोमैटिन न्यूक्लियस है. ठीक है, क्रोमैटिन न्यूक्लियस का क्लास किसी को आइडिया है? मैं बताऊंगा. अच्छा, अगर किसी को आइडिया है तो जल्दी से बताओ क्या होता है. फाइब्रोब्लास्ट में क्या आ जाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, हाइलुरोनिक एसिड्स है, इलास्टिन्स, एंजाइम्स एंड कोलेजन सेल्स है. ठीक है, अब हम जी मुझे आइडिया हो गया, किसी को नहीं पता तो यूक्रोमैटिन क्या होता है. यूक्रोमैटिन होता है, दो होते हैं आपके न्यूक्लियस, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. ठीक है, यूक्रोमैटिन इसका जो फाइब्रोब्लास्ट का यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन में क्या होता है, लाइटली पैक फॉर्म है क्रोमैटिन की. क्रोमैटिन आपको पता ना, क्रोमैटिन क्या है, डीएनए आरएनए प्रोटीन है. ठीक है, वो एनरिच्ड होता है, ये क्या है, तो ये इसकी लाइटली पैक्ड फॉर्म है क्रोमैटिन की. एनरिच्ड होते जीन्स में, ऑफन प्रेजेंट अंडर होता है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, बट नॉट ऑलवेज. और क्रोमैटिन क्या करते हैं, मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम का विद द सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमें पता ना सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल का न्यूक्लियस जो है वो सब कंट्रोल करेगा. तो न्यूक्लियस जो सबसे एक्टिव पोर्शन है ना, जो जीन्स को कंट्रोल कर, वो यूक्रोमैटिन है. ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट में यूक्रोमैटिन है. अच्छा, अब जो दूसरी तरह का हेट्रोक्रोमैटिन होता है, वो मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रही हूँ कि वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड फॉर्म है डीएनए या आरएनए की. ठीक है, यूक्रोमैटिन लाइटली पैक्ड फॉर्म है डीएनए आरएनए की, और हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड फॉर्म है. और ये भी होता है, वो न्यूक्लियस में ही है, लेकिन ये कहाँ पे वैराइटीज होती है इसकी, हेट्रोक्रोमैटिन के, और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होता है और एक फेकल्टेटिव होता है. आप इसको छोड़ दो, बस यूक्रोमैटिन पे फोकस करो. टाइटली पैक्ड, लाइटली पैक्ड डीएनए एमआरएनए है, न्यूक्लियस के एक्टिव होते हैं, और न्यूक्लियस का सबसे एक्टिव पार्ट यूक्रोमैटिन, न्यूक्लियस में जो यहाँ जो यूक्रोमैटिन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस का सबसे एक्टिव पार्ट है, और जीनोम जीन्स को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, अच्छा, अब रेस्टिंग या एज फाइब्रोब्लास्ट कैसे हो जाएंगे? वो तो फ्यूसिफॉर्म थे ना, यंग वाले. अब जो यंग हैं वो कैसे हैं, फ्यूसिफॉर्म है. रेस्टिंग या एज में क्या, फ्लैटेंड स्पिंडल शेप सेल्स हैं, अलॉन्ग लेस ऑर्गेनेल्स एंड लेस डेंस क्रोमैटिन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, फ्लैटेंड स्पिंडल शेप सेल्स हो गए, ऑर्गेनेल्स कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में सेल ने कोई काम नहीं करना, उसने जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी वो कर ली, सिक्रीट करना तो जो कुछ कर लिया, अब वो रेस्टिंग फेज में चला गया. रेस्टिंग फेज में चला गया, एज में एजड हो गया वो, अब वो सुस्त पड़ा हो गया, साइड पर समझ लो पड़ा है, तो अब उसके ऑर्गेनेल्स का नंबर भी कम हो जाएगा, सेल की शेप भी चेंज हो जाएगी, और जो क्रोमैटिन प्रेजेंट था न्यूक्लियस में वो भी लेस डेंस होगा, क्योंकि उसने जो काम करना था कर लिया. अच्छा, अब ये दो टर्म्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट्स. फाइब्रोब्लास्ट तो ये है, ये सेल्स हैं. ठीक है, ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये और ये फाइब्रोसाइट्स हैं. अब पहले तो आप इनका डिफरेंस देखो, ये फाइब्रोब्लास्ट की शेप होगी, ये फाइब्रोसाइट की होगी. अब फाइब्रोसाइट है क्या? ठीक है, फाइब्रोसाइट क्या होते हैं? फाइब्रोसाइट के इनएक्टिव मेसेनकाइमल सेल है. That is a cell showing minimal cytoplasm, limited amounts of rough endoplasmic reticulum and lacks biochemical evidence of protein synthesis. ठीक है, कौन सा सेल हो जाएगा जिसमें एक तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, नंबर वन पे है मेसेनकाइमल सेल ही, फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट भी, ये आप समझ लो उसी की चीज है, उसी का दूसरा वर्जन है, उसी का रेस्टिंग फेज है फाइब्रोब्लास्ट का. कैसा है फाइब्रोसाइट? इनएक्टिव, मिनिमम सेल ऑर्गेनेल्स. क्यों? क्योंकि उसने कुछ काम नहीं अब करना. इनएक्टिव जो एक्टिव होगा तो ऑर्गेनेल्स सब आपको चाहिए जब सेल ने एक्टिव होना है. अभी तो सेल इनएक्टिव है तो उसको तो ऑर्गेनेल्स नहीं चाहिए. ठीक है, तो इनएक्टिव हो गया, मिनिमम काम उसने करना है, और इसमें कोई भी ना हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि इन्हें प्रोटीन सिक्रीट करनी है. ठीक है, अब नंबर थ्री पे कौन सा सेल्स आ गया? अच्छा, एक और बात, आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि फाइब्रोब्लास्ट नंबर उससे ज़्यादा क्यों होता है. फाइब्रोब्लास्ट का नंबर इसलिए ऑर्गेनोब्लास्ट से ज़्यादा होता है कि जब भी पल्प को इंजरी लगेगी, जब भी
डेंटिन इंजर होती है, जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो फाइब्रो और ओडोब्लास्ट की डेथ हो जाती है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो आते हैं इंजरी की जगह पे, ट्रॉमा की जगह पे, और आके अपने आप को ओडोन्टोब्लास्ट में शिफ्ट करते हैं. ठीक है, क्लियर है? इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट का नंबर कुदरत ने ज्यादा रखा हुआ है. नेचर ने क्यों ज्यादा रखा हुआ है? अल्लाह की तरफ से हर चीज में ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जब ओडोन्टोब्लास्ट मर जाएंगे तो फाइब्रोब्लास्ट अपने आप को ओडोन्टोब्लास्ट में शिफ्ट कर लेंगे और हमें ट्रॉमा से हमारी इंजरी हील कर देंगे. ठीक है, ओके. अब थर्ड सेल्स कौन से हैं? अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स हैं, एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स. ये कौन से सेल्स होंगे? ये भी वही सेल्स होंगे जिन्होंने ओडोन्टोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट में बनाया. मैंने आपको डेंटिन में टर्शियरी डेंटिन बताया था. टर्शियरी डेंटिन की दो टाइप्स डिजाइन थी, रेपरेटिव डेंटिन एंड रिएक्शनरी डेंटिन. ठीक है, रेपरेटिव डेंटिन एंड रिएक्शनरी डेंटिन में कौन से डेंटिन में, चलो बताओ कौन से टाइप में ये ओडोन्टोब्लास्ट की डेथ हो जाती है और फाइब्रोब्लास्ट में मेसेनकाइमल सेल्स अपने आप को शिफ्ट करते हैं? अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स कैसे हैं? फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्ट होंगे और ओडोन्टोब्लास्ट में होंगे, और एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स भी ओडोन्टोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, लार्ज लार्ज. अच्छा, अब इनकी सबसे पहले शेप क्या है? लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है. लोकेशन कहाँ पे होंगे? सेल विद जोन में, पल्प कोर में. ऑब्वियसली ओडोन्टोब्लास्ट जो जोन है उसमें सिर्फ ओडोन्टोब्लास्ट है, देन सेल फ्री जोन उसमें सेल ही नहीं है. तो लोकेशन इनकी कहाँ बनती है? सेल विद जोन एंड पल्प कोर. इनमें क्या अबिलिटी होती है? अबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू ओडोन्टोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट. अच्छा, अब लार्ज ओवल शेप सेल्स जो होती है वो कहाँ पे होते हैं? अलॉन्ग डार्क स्टेन न्यूक्लियस, अलॉन्ग लार्ज लाइसोसोम्स. लार्ज सेल्स है, डार्क स्टेन न्यूक्लियस है, लार्ज लाइसोसोम्स है. इनका फंक्शन क्या? एलिमिनेशन ऑफ डेड सेल्स. मैंने कुछ, चलो एक सेकेंड बेटा. अच्छा ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स हैं. लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स आर अबंडेंट एज कम्पेयर टू बी लिम्फोसाइट्स. अच्छा, लिम्फोसाइट्स हमेशा याद रखो इम्यूनिटी से रिलेटेड है. ठीक है, लिम्फोसाइट्स किन के साथ रिलेटेड है? इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है. टी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे, बी दो टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. टी ज्यादा है, बी से कम. नेक्स्ट सेल्स कौन से हैं? डेंड्रिटिक सेल्स. डेंड्रिटिक सेल्स कौन से हैं? लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स अलॉन्ग मल्टीपल प्रोसेसेस. लोकेशन सेल विद जोन अनइरेप्टिटूथ में होते हैं, इन एंड अराउंड द ओडोन्टोब्लास्टिक लेयर, और इरेप्टिटूथ में कहाँ पे होते हैं? बिनीथ द ओडोन्टोब्लास्टिक लेयर. ठीक है, फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है तो ये किस चीज में रिलेटेड हुए? इम्यूनिटी में ही रिलेटेड हुए, इम्यूनिटी से रिलेटेड हुए, हीलिंग से रिलेटेड है. ठीक है, ये डेंड्रिटिक सेल है, ये जब सेल्स आएंगे तो आपने ड्रॉ करने हैं. अब आ जाते हैं मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस में मैंने आपको बताया था किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में जो कुछ होता है वो सब कुछ इसमें है. ग्लाइकोजा मोनोग्लाइकन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, इसके अलावा कोलेजन है, ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है. कोलेजन के टाइप 1 और टाइप 3 सबसे ज़्यादा हैं. यंग फाइबर पल्प फाइबर स्कैटर्ड हैं. जो यंग पल्प है उसमें फाइबर स्कैटर्ड होते हैं और जो ओल्ड पल्प है उसमें एग्रीगेट कर जाते हैं, स्टैक कर जाते हैं, बंडल बना लेते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, बंडल बन जाते हैं. और जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, जो जेल लाइक, अच्छा शुरू में ये जो है इसका ग्राउंड सब्सटेंस है ना, और मैट्रिक्स जो है पल्प का, इनिशियली ग्रेनुलर होता है और फिर जब उसकी फॉर्मेशन मतलब डेवलपिंग स्टेज में वो बाद में एंड में जेल लाइक हो जाता है. ठीक है, ग्रेनुल्स खत्म हो जाते हैं. जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें क्या क्या? ग्लाइकोजा मोनोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड वाटर. फंक्शन में क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स from the vasculature of the cell, from the vasculature to the cell, transport of metabolites from the cells to vasculature and support the cell. Functions pata chal gaye hain. Nutrients ko unhone vessels se nutrients ko cell tak leke jana hai, metabolites ko cell se vessels tak leke jana hai aur support karna cell ko. Ye aap dekh lo ground substance ye hai. Theek hai, matrix and ground substance ye hai. Is diagram mein dekh lo, ye hai blood vessels ho gayi, ground substance aa gaya ye wala. देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल्स हैं डिफरेंट, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये वाला ब्लू वाला सबसे एंड में जो नीचे पड़ा हुआ है, ये मैक्रोफेजेस हैं, माइक्रोसाइट्स, मतलब मैक्रोफेजेस माइक्रोसाइट्स हैं.
ये मैक्रोफेजेस हैं, ये लार्ज वाले, ठीक है। और वेसल्स कौन सी हैं, वेस्कुलेचर से क्या है, लिम्फेटिक सप्लाई क्या है, ये क्या है, फंक्शंस क्या है इनका, नंबर नंबर वन का इनका फंक्शन क्या है। अच्छा, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, हाईली डाइवर्स मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सेल्स हैं। फेगोसाइट से होते हैं जो अपने आप को खा जाते हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये मैं पूरी बॉडी की वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन पल्प में जो होता है रेड पल्प में होते हैं। अच्छा, फंक्शन वेस्कुलेचर का क्या फंक्शन था, एस्टैब्लिशेस द टिश्यूज फ्लूइड प्रेशर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट ऑफ द पल्प। आर्टिरियोल्स होते हैं, उनका साइज आपने याद रखना है, 150 माइक्रोमीटर साइज है, इनटू द पल्प थ्रू एपिकल फोरम एंड अलोंग सेंसरी एंड सिंपैथेटिक नर्व बंडल्स। आर्टिरियोल्स के साथ सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व भी आएंगी, दे गिव ब्रांचेस इन द कॉर्नल पर डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म एन एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क। डिवाइड हुई है, फिर सब डिवाइड हुई, एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क बना दिया। ये है वो आर्टिरियोल्स हैं ये, ठीक है। बाकी आपने पहले भी मैंने दिखा दिए डायग्राम। ओके, कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है, कहाँ पे होता है, सब ओडोन्टोब्लास्टिक एरिया में हो गया। रेंज फ्रॉम 4 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पेरिसाइट्स होते हैं, पेरिसाइट्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है अटैच्ड एट रैंडम इंटरवल, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ रैंडम इंटरवल पे, कहीं भी अटैच हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, एनास्टोमोसिस जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही है, करेक्ट। और वहाँ पे कैपिलरीज नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, अब ये इसमें चलो ये जो सबसे ये डायग्राम तो वैसे आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस की है, बट इसमें आप ये ओडोन्टोब्लास्ट की शेप अच्छी तरह देख लो क्या है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ओडोन्टोब्लास्ट प्रोसेस। ओडोन्टोब्लास्ट प्रोसेस कहाँ से गुजरता है, डेंटल ट्यूब से गुजरता है, इसके अंदर फ्लूइड होगा, नर्व्स के साथ साथ पास करती हैं डेंटल ट्यूब्स में। अच्छा, अब आर्टेरियोल्स हैं, टर्मिनल आर्टेरियोल्स, प्री कैपिलरी लूप्स हैं, कैपिलरी लूप्स हैं, इधर कनेक्टिंग विन्यूल्स हैं, लिम्फैटिक वेसल्स भी साथ साथ जाती हैं, विन्यूल्स हैं, ये एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल में एनएचपी में बहुत आता है। लिम्फैटिक सप्लाईज की क्या है, लिम्फैटिक सप्लाई में दे अराइज स्मॉल बर्ड्स, स्मॉल ब्लाइंड थिन वॉल्ड वेसल्स हैं इन द कॉर्नियल रीजन, पास एपिकली थ्रू द मिडल एंड द रेडिकुलर पोर्शन, ठीक है। मिडल और रेडिकुलर पोर्शन से जहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, कहाँ से, एपिकल फोरामेन से एग्जिट करते हैं। लिम्फैटिक सप्लाई के जहाँ से लिम्फ वाइंस गुजरती हैं, लिम्फैटिक फ्लूइड गुजरता है, और कैसी होती है, स्मॉल ब्लाइंड थिन वॉल्ड वेसल्स हैं इन द कॉर्नियल रीजन। इनर्वेशन ऑफ द डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स, nerves enter the pulp along vascular bundles as now large nerve bundles are and further branched as they move closely to the pulp core. अच्छा, कितने टर्मिनल ब्रांचेज होंगी, आपने याद रखना है 8 टर्मिनल ब्रांचेज हैं, प्लेक्सस ऑफ रश का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्सटेंसिव प्लेक्सस ऑफ नर्व्स हैं इन द सेल फ्री जोन ऑफ वेल, ठीक है। कहाँ पे है, सेल फ्री जोन ऑफ वेल में है, एक्सटेंसिव प्लेक्सस नर्व्स का, ठीक है। नॉन लार्ज नर्व्स कैसे एंटर हो रही हैं, ब्लड वेस्कुलर बंडल्स के साथ एंटर हो रही हैं, लार्ज नर्व बंडल्स बना के, और उसके बाद क्या होता है, जो लार्ज नर्व बंडल्स होते हैं वो फर्दर उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं, और फिर बाद में और ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएंगे। टर्मिनल ब्रांचेस कितनी होंगी, 8। ये देख लो, पेरिडोन्शियम है, रूट पल्प है, एंड ये है कॉर्नल पल्प। पेरिडोन, ये जो पेरिडोन्शियम है इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाते हैं सीमेंटम एंड पीडीएल। नर्व बंडल्स कैसी हैं, सेंसरी सप्लाई, ट्राइजैमिनल नर्व है, सिंपैथेटिक सप्लाई, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, ईच बंडल कंटेन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, और नर्व बंडल्स टर्मिनेट कर जाते हैं, कहाँ पर टर्मिनेट करेंगी, एपिकली। अच्छा, अब फंक्शंस जो है डेंटल पल्प के बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 marks का ऐसी क्यों आता है, इंडक्टिव, फॉर्मेटिव, न्यूट्रेटिव, प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव, ठीक है। इंडक्टिव क्या है, इट इंड्यूसेस ओरल एपिथेलियल डिफरेंशिएशन इनटू डेंटल लामिना एंड इनेमल ऑर्गन, ठीक है। अब जो जिन्होंने शुरू से लेक्चर्स लेते रहे उनको पता होगा कि एक टर्म में यूज करते थे रेसिप्रोकल इंडक्शन या इंडक्शन, क्या था, एपिथेलियल जो थे सेल्स आपके, कौन से सेल्स से, ये जो एपिथेलियल सेल्स थे ना, कहाँ के, डेंटल पैपिला के जो सेल्स थे,
सॉरी एनामल ऑर्गन के और डेंटल लामिना के जो सेल्स थे ना उनको ये इंड्यूस करते थे, तो वो अपने आप को इनर एनामल एपिथेलियम में डिफरेंशिएट करते थे, फिर इधर की सिग्नल्स भेजते थे, तो वो अपने आप को इनर एनामल एपिथेलियम से किसमें डिफरेंशिएट करते थे, एमीलोब्लास्ट में. ठीक है. इट ऑल्सो डिफरेंशिएट्स द एनामल ऑर्गन टू डिफरेंशिएट इट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी. वही सारा एनामल फॉर्मेशन वाला और एमीलोब्लास्ट वाला सिग्नल्स ये भेजते थे, तो वो अपने आप को चेंज करते थे. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? फॉर्मेटिव. फॉर्मेटिव में क्या है कि सेल्स जो होते हैं ना पल्प के इंड्यूसेस डेंटिन फॉर्मेशन. ठीक है. देन आपके पल्प के सेल्स जो होते हैं ना पल्प के डेंटिन फॉर्मेशन बना देते हैं. उसके अलावा क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाती है प्राइमरी डेंटिन एंड सेकेंडरी डेंटिन की. न्यूट्रिटिव में क्या होता है? न्यूट्रिटिव में क्या होता है कि मेंटेन्स द वाइटैलिटी ऑफ डेंटिन बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ऑडोन्टोक्लास्ट सोर्स ऑफ डेंटिनल फ्लूइड. मैंने आपको बताया था डेंटिनोजेनेसिस में, अभी थर्सडे वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था आपको कि जब डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट होती है तो ऑडोन्टोक्लास्ट लेयर के नीचे जो सब ऑडोन्टोक्लास्ट लेयर होती है उसमें नर्व्स होती हैं. ठीक है. उसमें तो वो नर्व्स क्या करते हैं, वो वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स जो नीचे पड़े हैं उन्होंने क्या किया, ब्लड वेसल्स ने ये किया कि जैसे डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट हुई वो सब ऑडोन्टोक्लास्ट लेयर से ऑडोन्टोक्लास्ट लेयर में गए और डेंटिन के दरमियान में चले गए, एंटर हो गए. ठीक है. और जब डेंटिनोजेनेसिस खत्म हुई उन्होंने जितनी डेंटिनोजेनेसिस के लिए जो पल्प को न्यूट्रिशन फीड प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड की, तो दोबारा से रीग्रेस कर गए, दोबारा से वापस अपने ऑडोन्टोब्लास्टिक लेयर में आ गए. तो ये इनके न्यूट्रिटिव फंक्शन है, सोर्स ऑफ डेंटिनल फ्लूइड. प्रोटेक्टिव फंक्शन है. प्रोटेक्टिव फंक्शन तीसरा फंक्शन है. ये क्या है? इंड्यूसिव, फॉर्मेटिव, न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव फोर्थ फंक्शन है. It helps in recognition of stimuli like heat, cold, pressure, and chemicals by sensory nerve fibers. Okay? Vasomotor innervations control the muscular wall of blood vessels. This regulates the blood volume and rate of blood flow and hence intrapulmonary pressure. Okay? Now, protective, एक तो वो protect तो कर रहे हैं. हमें किससे से पूरा हमें stimuli मिल रही है कि recognition में help करते हैं. A fibers आपको पता है, A fibers जो होते हैं वो pain fibers होते हैं और pain को सिर्फ pulp detect करती है और direct पीछे तक रिस्पॉन्स देती है. अच्छा, किसको कहते हैं जो स्टिमुलाई होता है? हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, केमिकल्स, कोई भी हमें स्टिमुलाई फील होता है वो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? पल्प रिकॉग्नाइज करेगी बाय सेंसिंग ऑफ फाइबर्स. और वेसोमोटर इनर्वेशन कंट्रोल ने क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मस्कुलर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को, रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड हेंस इंट्रापल्मर प्रेशर भी, इंट्रापल्मर प्रेशर भी कंट्रोल करता है. Defensive and reparative. Defensive and reparative में क्या आ जाएगा? It responds to irritation by producing reparative dentin and mineralizing the effective dental tubules. ठीक है. ये सारा वो जो tertiary dentin की type मैंने आपको tertiary dentin बताया था ये वो है. Irritation हुई, कुछ stimuli आया, कोई irritation हुई, कोई injury हुई, कोई trauma हुआ, तो क्या उसने कैसा response दिया? रेपरेटिव डेंटिन प्रोड्यूस कर दी और मिनरलाइजेशन कर दी इफेक्टिव डेंटल ट्यूब्यूल्स की. ठीक है. जो ट्यूब्यूल्स डेंटल ट्यूब्यूल्स इफेक्ट हुई थी उनकी मिनरलाइजेशन कर दी. माइल्ड टू मॉडरेट इरिटेशन रिजल्ट्स इन कंटिन्यूड पेरिट्यूबुलर डेंटिन फॉर्मेशन, सेक्लेरोसिस एंड इंट्राट्यूबुलर कैल्सिफिकेशन. ठीक है. सेक्लेरोसिस पेरिट्यूबुलर डेंटिन पता है, पेरिट्यूबुलर डेंटिन 40% मोर मिनरलाइज थी और जो डेंटल ट्यूब्यूल्स थे उनके अंदर वाली साइड से उनको लाइक अ कॉलर इसने सराउंड किया हुआ था. सेक्लेरोसिस क्या होता है कि वो जब अगर डिपॉजिट्स होते रहते, कैल्सिफिकेशन होती रहती है, वो सारी की सारी फिल हो जाएगी, वाइट अपीयरेंस हो जाएगी, ग्लासी अपीयरेंस नहीं, सेक्लेरोसिस हो गई, उसको सेक्लेरोटिक डेंटिन कह रहे थे. ठीक है. इंट्राट्यूबुलर डेंटिन आपको पता है कि वो दोनों अंदर ट्यूब्यूल के अंदर जो कवर डेंटिन थे वो. इन्फ्लेम्ड पल्प ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन पल्प हेल्प इन रिपेयर. ठीक है. जो इन्फ्लेम्ड हो गए पल्प, जब हम कहते हैं पल्प इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उसमें क्या करना है? पल्प के रिपेयर में भी हेल्प करती है. रेग्रेसिव चेंजिंग एज चेंजेस क्या आ जाते हैं पल्प में? एज चेंजेस कौन से? अपीयरेंस ऑफ फ्यू सेल्स इन एज सेल्स, सेल नंबर 1 सबसे पहले कम होगा, सेल रिड्यूस इन साइज एंड इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. नंबर तो कम हो गए प्लस सेल का साइज भी कम हो गया, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थी वो भी कम हो गया. फाइब्रोब्लास्ट हैव न्यूमरस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फाइब्रोब्लास्ट में बाकी सेल्स में, बाकी जितने भी पल्प के सेल्स हैं उनमें ये चेंजेस आएंगे, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट में क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाएगा. फाइब्रोसिस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ डिफ्यूज फिब्रुलर एंड बंडल ऑफ कोलेजन. ठीक है. क्या क्या हो रहा है? डिफ्यूज फिब्रुलर कोलेजन या बंडल ऑफ कोलेजन की एक्यूमुलेशन हो रही है. फाइबर्स जो होते हैं अपीयर लॉन्गिट्यूडनल एंड रेटिकुलर पल्प एंड डिफ्यूज हो जाते हैं कॉर्नियल पल्प में. रेटिकुलर पल्प में लॉन्गिट्यूडनल अपीयर है, अरेंज्ड है, और कॉर्नियल पल्प में डिफ्यूज हुए हैं, स्कैटर्ड है. इंक्रीज इन पल्प फाइबर्स इन पल्प ऑर्गन आर ग्रेजुअल एंड जनरलाइज्ड. ठीक है. पल्प फाइबर में इंक्रीज होता जाएगा
हार्ट प्रोसेस जब होगा और ग्रेजुअली और जनरली एक्सटर्नल ट्रॉमा है जैसे केरीज है या फिर डीप रेस्टोरेशन है कॉज्ड अ लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस। एक्सटर्नल ट्रॉमा तो केरीज होगी और डीप रेस्टोरेशन कौन सी होगी, जब हम कोई ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कोई प्रोस्टेट को डेंचर लग गया, किसी ने क्राउन लगवाया, ब्रिज लगवाया, कोई और ट्रीटमेंट आपने कराया, आपने सिंपल फिलिंग कराई है, रूट कैनाल कराई है, तो उसमें वो क्या कर देते हैं, लोकलाइज फाइब्रोसिस कर देते हैं। इंक्रीज इन पल्प फाइबर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन साइज ऑफ पल्प, ठीक है, पल्प फाइबर का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका पल्प का साइज डिक्रीज हो रहा है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या आएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स अपीयर इन पल्पल वेसल्स, कैल्सिफिकेशन आर फाउंड अराउंड द वेसल्स स्पेशली नियर द एपिकल रीजन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन फाउंड होते हैं अराउंड द वेसल्स स्पेशली एपिकल रीजन में कैल्सिफिकेशन होगी। क्यों कैल्सिफिकेशन एपिकल रीजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता था एपेक्स फॉरम क्लोज नहीं होता, टूथ फॉर्मेशन हो जाती है, टूथ ओरल कैविटी में इरप्ट हो जाता है तो फिर भी एपेक्स क्लोज नहीं होता, एपेक्स ओपन होते हैं 18 मंथ्स किसके केस में, प्राइमरी टीथ केस में, 2-3 ईयर्स परमानेंट के केस में। पल्प स्टोन, पल्प स्टोन एक नई चीज़ है, देखो क्या है, अपीयर्स होता है इन आइदर और बोथ कॉर्नर एंड रेडिकुलर पल्प, सिर्फ कॉर्नर पल्प में हो सकता है, सिर्फ रेडिकुलर में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं शो करता अनलेस दे इंपिंज ऑन नर्व्स और ब्लड वेसल्स, तब तक, कब तक एसिम्प्टोमेटिक है, जब तक नर्व एंड वेसल पे, ब्लड वेसल पे प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा। सीन इन फंक्शनल एज वेल एज अनइंटरप्टेड टूथ, अच्छा ये मजे की बात है कि अनइंटरप्टेड टूथ में भी हो सकता है, फंक्शनल में तो होगा पल्प लेकिन अनइंटरप्टेड में होगा। अच्छा जो पल्प स्टोन्स है ना, डेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है, डेंटिकल्स इनकी 3 टाइप्स होती है, ट्रू डेंटिकल्स, फॉल्स डेंटिकल्स एंड डिफ्यूज डेंटिकल्स। ये जो है, और इसके अलावा जो ट्रू है ना वो अटैच एंड फ्री, दो टाइप्स फर्दर आगे से उसकी दो टाइप्स होंगी। अच्छा डेंटिकल्स क्या है, पल्प स्टोन्स है ना, नंबर वन टाइप कौन सी है, फ्री, ट्रू है, ट्रू की कितने टाइप्स हैं, दो, फर्दर सब डिवाइडेड है, फ्री ट्रू डेंटिकल, अटैच ट्रू डेंटिकल, ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये फ्री ट्रू डेंटिकल की है। टू डेंटिकल कैसे, सिमिलर स्ट्रक्चर में डेंटिन वाले, कॉन्टेन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एंड कॉन्टेन प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, कहाँ पे होगा, एपिकल रीजन में होगा, फॉर्म किससे होता है, किस वजह से बनता है, इंक्लूजन हो जाती है एपिकल रूट शीथ की विद इन द पल्प। जब मैंने आपको चैप्टर 5 कराया था टूथ डेवलपमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एपिथेलियल वॉल की प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाए तो ये फ्रेगमेंट सीमेंटम इनके अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है और ये होते छोटे छोटे ग्रैनुलर मैसेज, ये छोटे छोटे मैसेज उधर अटैच हो जाते हैं, ये वो चीज़ है। टू डेंटिकल्स कौन से, जो मैंने आपको तब बताया था ना आपको, ये वो है रूट फॉर्मेशन बताया था, हर्ट विथ एपिथेलियल रूट शीथ से रूट फॉर्मेशन बताई थी, उसे मैं बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू ग्रो कर रहा है, साथ साथ डेंटिन है, अदमियान में भी कनेक्टिव टिश्यू के साथ सीमेंटम है, अगर मिनरलाइजेशन से पहले ही डेंटिन की रूट में, डेंटिन की मिनरलाइजेशन से पहले ही एपिथेलियल वॉल में ब्रेक हो जाए तो क्या होता था, ये पल्प स्टोन्स बन जाते हैं। These elements induce pulp cells to differentiate into dentine, free true denticle, false denticles कैसे होते हैं, they do not exhibit dentinal tubules, they appear as concentric layers of calcified tissue. Some cases में क्या होता है, calcification appear within a bundle of collagen bundles and around the vessel. कहाँ पे होती है, collagen bundle के अंदर भी calcification हो रही है, उनके vessels के around भी calcification start हो गया, ये किसके remnants हो सकते हैं, नेक्रोटिक और कैल्सिफाइड सेल्स के। जो ट्रू डेंटिकल्स हैं वो किसके रेमनेंट्स हैं, एपिथेलियल वॉल के। फॉल्स डेंटिकल्स किसके वेसल्स हैं, रेमनेंट्स हैं, नेक्रोटिक एंड कैल्सिफाइड टिश्यू। रेमनेंट्स, अगर कोई चीज़ टूट गया तो उसका जो बच्चा कुछ आ रहा है उसको, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बाई इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड प्लोरिट्स मे ऑल्सो सर्व एज फॉल्स डेंटिकल्स। फॉल्स डेंटिकल अलॉन्ग ब्लड वेसल्स फ्री एंड अटैच्ड में क्या था, एज डेंटिकल बिगेन एज स्मॉल एड्यूल बट इंक्रीज इन साइज बाई इंक्रीमेंटल ग्रोथ, ठीक है, स्मॉल एड्यूल की तरह से बिगेन किया था लेकिन उसकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की वजह से साइज ज्यादा हो गया। कैल्सिफाइड इज फ्री और अटैच्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द डेंटिन। फ्री डेंटिकल एंटायरली सराउंडेड बाई पल्प टिश्यू, अटैच पार्शली फ्यूज्ड बाई डेंटिन, एम्बेडेड एंटायरली बाई डेंटिन। एम्बेडेड वाली टाइप होगी जो उसके सारी तरफ डेंटिन है, मतलब डेंटिन के अंदर कहीं वो फंस गई, अटैच पार्शली अटैच है डेंटिन के साथ, और फ्री जो जिसमें डेंटिन है ही नहीं, जो जिसको चारों तरफ से सराउंड कम कर रहा है पल्प कर रहा है। इंसिडेंस ऑफ पल्प स्टोन इंक्रीजेस विद एज, पल्प स्टोन के चांसेस इन एज के साथ ज्यादा हो जाते हैं। ये आप देख लो अटैच डेंटिकल, फ्री, फ्री में चारों तरफ पल्प है, अटैच्ड है, अटैच में क्या है पल्प एंड ये डेंटिन।
diffuse calcification appear as irregular calcification deposits in the pulp tissue, coloring collagen fibers, blood vessels, large mass in the form of spicules, और more located होते हैं crown में, sorry root में ज़्यादा होते हैं, root canal में ज़्यादा होते हैं, ठीक है? Diffuse calcification of pulp along pulp fibers. Dystrophic mineralization क्या है? Dystrophic mineralization routine में normal से हट के, ठीक है? ड्यूरिंग एजिंग क्या होता है, एज से ज्यादा आपको पता चेंजेस आते हैं, उसमें क्या होता है सेलुलर डिजेनरेशन हो जाती है, इंक्रीज इन डिस्ट्रोफिक मिनरलाइजेशन, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस में भी इनिशिएटिंग फैक्टर्स है, और मिनरलाइजेशन ने आल्सो सीन इन माइलिन शीथ. माइलिन शीथ कहाँ पे होगी बताओ जरा, अच्छा पल्प में ड्यूरिंग एजिंग सेलुलर डिजेनरेशन होगी, डिस्ट्रोफिक मिनरलाइजेशन होगी, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस भी एक इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं. वेरी गुड, बिल्कुल नुमान और शरीर ने सही बताया, श्वान सेल्स हैं, नर्व्स में माइलिन शीथ होगी, अनमाइलिनेटेड शीथ नर्व्स होती हैं, माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, ठीक है? एज चेंजेस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन रिड्यूसेस द साइज ऑफ पल्प चैम्बर एंड रूट कैनाल. सेकेंडरी डेंटिन रूट टूथ फॉर्मेशन या टूथ इरप्शन से लेके थ्रू आउट लाइफ बनती रहती है, तो जैसे जैसे सेकेंडरी डेंटिन डिपॉजिट हो रही है तो डेंटिन ज़्यादा होती जाएगी, पल्प कम होता जाएगा. डिक्रीज इन सेलुलरिटी मीन्स सेल नंबर कम हो गया, और डिक्रीज हो जाता है साइज में, सम एरियाज में से डिसअपियर हो जाता है, स्पेशली बायफर्केशन एरिया. बायफर्केशन एरिया जहाँ से आपकी रूट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है. जी शहीद बताओ क्या मैम करके पूछ रहे हो. रिडक्शन न्यूरोवास्कुलर बंडल, रिडक्शन हो जाएगी न्यूरोवास्कुलर बंडल में, नर्व भी कम हो गई, फाइबर ब्लड वेसल्स भी कम हो गए, कोलेजन फाइब्रिल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, कुछ पूछने बता दो, अभी हमारे पास हैं 10 मिनट्स. कौन सा टॉपिक स्लाइड शेयर कर दो, D19 को अनम्यूट कर दे, D19 को अनम्यूट कर दे. हाँ जी, अब क्या कह रहे हो आप? मैम ये वाले लेक्चर की और प्रीवियस की, क्योंकि मैंने लेक्चर नहीं लिया था प्रीवियस. क्यों, कहाँ थे आप? मैं वो सोया हुआ था. ओके बेटा, मेरी बात ये कि ये कि मुझे शेख साहब से नहीं, हमें अलाउ नहीं किया वो शेयर करना, ठीक है? तो अब अगर आप सो रहे थे और इतना ही वैलिड रीजन है कि आप सो रहे थे और आप साइड नहीं ले सके, तो आपने शेख साहब से परमिशन लेना. मैं वो तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं मैं ले सका लेक्चर. तो बेटा अब बैठे 10KD पढ़ो और जब कॉलेज खुलेगा तब आओ, क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन हम सब अलाउ नहीं है अपना लेक्चर शेयर करना. ठीक है मैम, ठीक है मैम. अब हमने आज ये चैप्टर नंबर 8 जो 10KD का चैप्टर नंबर 8 है, डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स, ये सारा खत्म कर ले. डेंटिन भी खत्म है, पल्प भी खत्म है, कोई कंफ्यूजन कोई इश्यूज किसी को? नो मैम. कौन कौन से लोग नए आए हैं बेटा, कौन कौन नया है क्लास में? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है? आयशा. यस मैम. मैंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, तो मुझे ये नहीं पता था क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. कोई नहीं. आयशा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं फारुखाबाद से. अच्छा, ओके. और आपके अलावा और भी कोई आए? यस मैम. और कौन कौन आया आपके अलावा? क्लास कोई इश्यूज है, कोई क्वेश्चंस है बेटा बताओ, पूछ लो या मैं पूछूं, अगर सबको समझ आ गई है. मी मैम किसने लिखे अपने नाम की जगह मी? ये बेटा एक मरियम आई है, शहवार है, मरियम है, मजहर है, जवेरिया. बेटा बहुत लोग आए हो आप, ये सब न्यू है. फाइजा भी आई. कहाँ से आई हो फाइजा? मैम आई एम फ्रॉम सियालकोट. और फर्स्ट फ्लाइट तो इतना लेट से ज्वाइन किया आपने मरियम ने?
मरियम आप कहाँ से आए हो? मरियम जावेद। तो बेटा बोलते हुए शर्म आ रही है अभी है? और शहीर आप कहाँ से? नहीं शहवाद, शहवाद अहमद आप कहाँ से हो बेटा? मैम मैन काना से। शहीर नहीं शहवार, शहवार अहमद। मैम वतीम डेंटल कॉलेज से। वतीम से आज आपने फर्स्ट ईयर किया? यस मैम। वतीम में आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर ली थी? यस मैम। तो आपने पढ़ा होगा? मैम शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही बात। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का लेक्चर हो तो उसके अंदर से हम तक स्टार्ट कर लें। मुझे एसएमएस कर दो, मुझे ये चैट पे बता दो, मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि वैसे तो शोर हो रहा है आपका। जी हेरा, आपने क्या पूछना था बेटा? हेरा नहीं बेटा, जो टेस्ट हो रहा है उसमें नामल के उस चैप्टर का फर्स्ट हाफ है। नहीं नहीं पूरा चैप्टर है नामल का, मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। नामल का मैं साथ साथ बताया कि कौन सी चीज एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा बोन का चैप्टर, पूरा इनामल का चैप्टर एंड पूरा आपका प्रीमोलर का चैप्टर आना है। ठीक है, प्रीमोलर्स आने हैं और एससीक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज आपके 40 और एससीक्यू 4 है। पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो। पेपर मैंने बना दिया, मैंने बना के डॉक्टर गुलफिन को मेल कर दिया हुआ पेपर। मरियम अब जो तुम इतना हैरान हो रही हो, तो बेटा इतने दिनों से क्या कर रही थी? तो बेटा फायजा आप तो नहीं होगा मारो ना, आपका नहीं होगा। डोंट वरी, देखो जो बेचारे नए बच्चे आए हैं उनको टेंशन हो रही है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स वो आराम से बैठे हैं। बेटा मुझे क्या पता, मैंने तो बना दिया था सब, वो इजी है कि टफ था ये, तो आप लोग भी बताएंगे। मैंने इम्पोर्टेंट दिया इतना मैं आपको बता देती हूँ, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसमें। हाँ पेपर शेयर कर दें, न्यू स्टूडेंट्स अपीयर ही नहीं हो रहे नुमान, और सारा दिन घर में पढ़ते क्या रहते? तुम लोगों को तो इतना टाइम मिला पढ़ने का, रोजे रखे हो? रोजे भी नहीं लाडले बच्चे रख रहे हैं। पहले तो जो मेरे लास्ट के स्टूडेंट्स थे ना D19 वाले, वो तो रोजे नहीं रखते, तो कहते थे मैम गर्मी बहुत है हमसे नहीं रखे जाते। मैम सारे रोजे रखे हैं अल्लाह का शुक्र है। हाँ अब कैसी आवाज निकली है ना, और जब कहते ना इसका आंसर बताओ, इसका ये क्वेश्चन क्या है, तब तो सब ऐसे जैसे ऑफलाइन है। चलो अब बातें भी करो बेटा, रमजान का महीना है, इबादत भी ज्यादा करो और रोजे भी रखो, अल्लाह से दुआएं भी मांगो, और टाइम आप लोगों को मिले तो फोकस कर लो, पढ़ लो, सीनियर्स को देख लो जिनकी इसी तरह नॉन सीरियस थे, उनकी सप्लीज आ गई है। मैम वो घर में काम ही बहुत होते हैं। क्यों सारा कुकिंग तो करती हो घर के काम? मैम के काम होते इफ्तारी वगैरह सहरी वगैरह वो सारा पढ़ा ही नहीं जाता। तो सहरी और अफ्तारी के दरमियान में बेटा जो इतने घंटों का ब्रेक होता है उसमें क्या करते हो? मैं वो सोना भी तो होता है। तो बेटा फिर आपको जो टाइम मिलेगा ना ऑनलाइन, अभी सीजन 16th मई को टेस्ट है, उस दिन सो के नींद पूरी करना। ठीक है? नहीं मैम इंशाल्लाह इजी टेस्ट है आपका, इंशाल्लाह देंगे। हां बस देख लेना। आयशा अभी तो मुझे पता तुम सबने क्या सोचा होगा, कोई मसला नहीं है, टेस्ट आएगा, हम सब ने बुक्स खोली होंगी, मोबाइल्स पकड़े होंगे, फौरन एक दूसरे से पूछ के फिल कर लेंगे, टॉक कर लेंगे, तो यही सब लग रहा होगा। ये नहीं पता कि टेस्ट के लिए टाइम होगा, एक एसीक्यू का टाइम होगा, उसके बाद वो एसीक्यू डिसअपीयर हो जाएगा स्क्रीन से। ठीक है? उसके बाद आप अगर टाइम गुजर गया तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। ये नहीं है पेपर के पिछले पेपर पे चले जाओ और अगले पेपर पे आ जाओ, ये सब सीन नहीं होगा। बेटा शहीद का टैलेंट मैंने कभी पेपर जब क्लास में ग्रैंड टेस्ट हुए थे तब तो देखा नहीं। और आयशा आप न्यू कमर हो? आयशा यूसुफ बेटा आप न्यू कमर हो? अच्छा आयशा आप लोग फिक्र नहीं करो, आप जितने भी न्यू कमर्स हो ना 11 और अगर मे बी ज्यादा भी हो गए टोटल, अब आप लोगों की टोटल क्लास कितनी होगी? 48
तो बेटा आप सबका मैंने जो जो चैप्टर्स मैंने ख़त्म कराए थे वो इंशाल्लाह मैं आप जब रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होगा मैं आप लोगों का करा दूंगी. ब्रेक में प्रैक्टिकल आवर्स में वो आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको सब कवर करा दूंगी. बल्कि क्लास में ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स दिया जाते हैं. इस तरह मैं आपको स्लाइड शेयर कर भी दूँ, एक तो हमें अलाउ नहीं है, दूसरा मैं अगर स्लाइड शेयर कर भी देती हूँ तो आपको समझ नहीं आनी. ठीक है, चलो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़. ओके मैम, अल्लाह हाफिज़. पुराने कल चले गए हैं, निम्रा के लिए पुराने चले गए. तो निम्रा आप टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? तो इस्मा अब टोटल अभी भी 24 रहे हैं. अल्लाह इस साल तो कोई जोक ही बन गया स्टूडेंट्स का. चलो बेटा ऑल द बेस्ट. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.